अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा ये है मेहरान का, हमारे पास मीटर पड़ा हुआ है और ये इसकी एक किट आती है जिसमें मेहरान की जो स्पीड मीटर की, अमूमन आपने देखा होगा कि लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, इसके अंदर जो लाइट लगी होती है वो इस चीज़ के अंदर छोटे बल्ब लगे होते हैं, तो ये जो डिजिट्स होते हैं ये इतने सही नहीं रोशन होते और उसके अलावा भी यानी रोशनी इतनी नहीं होती इसकी, तो उसके लिए वैसे ये किट आती है। तकरीबन होती है मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये की ये किट होती है, फिर इसको लगाना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसमें ये होता है कि ये जो डिजिट्स होते हैं ये थोड़े सही नज़र आते हैं और ये जो सुई होती है वो ग्लो करती है। तो इसका एक कम ख़र्चे वाला जुगाड़ है हमारे पास जो इधर हम लोग करते हैं, उसमें ये होता है कि लाइट होती है, अच्छा जी ये लाइट दिखाएँ, ये कैप्सूल लाइट होती है, ये लोग लगाते हैं, इलेक्ट्रिशियन लोग जो होते हैं वो ये लगाते हैं। लाइट ये इतनी महंगी नहीं होती और बाकी जो इलेक्ट्रिशियन की जो 300-400 रुपये 500 रुपये जो भी मजदूरी होती होगी वो होता है। तो इसमें ये मीटर है अभी हमारे पास, इसके अंदर ये लगाने लगे हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह लगा रहे हैं। अब ये इसमें ये लाइट लगाने लगे अंदर, यानी ये इसका फ़ायदा होता है कि मीटर के अंदर जो रोशनी होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये डिजिट तो इसके अंदर, ये तो लोहे की पतरी होती है इस तरह की ना, यानी ये हमारे पास एक पड़ी है तो ये फिक्स पतरी होती है, प्लेट होती है, इसके अंदर तो लाइट नहीं पार होती, लेकिन ये होती है कि इसके ऊपर से लाइट लगेगी तो फिर आपको डिजिट से ही रोशन नज़र आएंगे। ये इन्होंने ये लाइट लगा दी, अच्छा। और शाह जी इसका ये जो लाइट है इसकी तकरीबन लाइफ कितनी होती है? ये यानी ये तो नहीं है कि लगा के हफ्ता 10 दिन बाद 15 दिन बाद ख़राब हो जाए? मैंने कब से गाड़ी में लगाई है तो तकरीबन ये साल तो चलती चलती है, ना चाहे 6 महीने तो फिर नहीं गए, पहले लगाई थी तकरीबन 7 से 8 माह चली थी, अभी जाके ये फ्यूज वो भी पानी लगा इसमें। अच्छा सही, मतलब यानी चलने वाला काम है, यानी वैसी जुगाड़ नहीं, रफ जुगाड़ नहीं है, चलने वाला काम। अच्छा चलिए सही है, तो बस ये इन्होंने फिर इसका कनेक्शन वगैरह करना है। चले बस यानी अब आप इसको गाड़ी में लगा देंगे, असेंबल कर देंगे? चले जब फिर गाड़ी में लग गए तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा ये अभी ये देखें इस तरह इसकी, ये देखें अंदर इतनी रोशनी आ गई, अब जब ऊपर वो लगेगा तो लाइट सही इसकी हो जाएगी। ये मीटर है, इसको फिक्स कर दिए, ऑन करना नुमान, ये देखें अभी ये लाइट आ गई इसके अंदर, तो ये जब गाड़ी के अंदर लगा होता है तो ये जो गेजेस वगैरह हैं ये सारी सही क्लियर नज़र आती है, यहाँ से भी जो रोशनी आती है उससे सारा मीटर सही नज़र आता है। तो ये यानी बहुत कम खर्चे में आप अपनी गाड़ी के जो मीटर है उसकी लाइटें आप सेट कर सकते हैं।